उत्तराखंड में बागेश्वर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार पार्वती दास ने बुधवार को अपना नामांकन कर दिया था। दोनों मुख्य पार्टियों के प्रत्याशियों के नामांकन के साथ ही दोनों पार्टियों ने उपचुनाव के लिए कमर भी कस ली है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने स्टार प्रचारक तय कर दिए हैं। एक तरफ भाजपा, जिससे मुख्यमंत्री समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों, सांसदों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी दी है, तो वहीं कांग्रेस ने भी 40 प्रचारकों के नाम पर मुहर लगाई है, जो बागेश्वर में बसंत कुमार के लिए चुनाव प्रसार करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बसंत कुमार के नामांकन पर कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है। प्रचारकों की सूची भी तैयार कर ली गई है, जो जनता के बीच उत्तराखंड के ज्वलंत मुद्दों के साथ जाएगी, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि कांग्रेस बागेश्वर उपचुनाव को जीतेगी। देखिए, बागेश्वर उपचुनाव में नामांकन कांग्रेस के प्रत्याशी बसंत कुमार जी ने किया है। माननीय अध्यक्ष जी और माननीय नेता प्रतिपक्ष उपस्थित हैं उसमें, कार्यक्रम में, और कार्यकर्ताओं का अपार उत्साह देखने को मिला है। भीड़ आपके सामने है, महत्वपूर्ण लोग वहाँ पर उपस्थित हैं और कार्यकर्ता का हुजूम है, और निश्चित रूप से उससे उत्साह भी बढ़ता है और बागेश्वर का उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी और अच्छे मतों से जीतेगी। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विगत 6 वर्षों में इस प्रदेश में जो जुल्म किए हैं, इस प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति खराब की है, स्वास्थ्य सेवाएं गड़बड़ा गई हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, पेपर लीक का मामला है, अंकिता भंडारी हत्याकांड का BIP कौन है, कई मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाएंगे। आज तो नामांकन हमने किया है और उस नामांकन में जो भीड़ आई है, जिस तरह के जनता का समर्थन और मार्गदर्शन हमको मिला, उससे लगता है कि निश्चित रूप से जीत कांग्रेस पार्टी की होगी। डाउनलोड करें देवभूमि इंसाइट।